डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिज़िक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग फिज़िक्स में एक नए चैप्टर की शुरुआत किए हैं जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स को पढ़े थे, कुछ चुंबकीय बल के वाले में भी हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो अगले टॉपिक्स यानी कि आज से हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात किया जाए तो हम लोग पिछले क्लास में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़े थे, और चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग पढ़े थे कि एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये हम लोग पढ़े थे, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, पी बराबर एफ बाई पी नॉट। आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। उसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसे संतत काल्पनिक वैसे संतत संतत मतलब होता है लगातार, वैसे संतत काल्पनिक काल्पनिक बंद वक्र बंद वक्र है जो जो चुंबक के उत्तरीय उत्तर ध्रुव से जो चुंबक के चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव से निकलकर उसके दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं उसके दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं और पुनः दक्षिणी ध्रुव से चुंबक के भीतर से उत्तरी ध्रुव तक जाते हैं उत्तरी ध्रुव तक जाते हैं। नेक्स्ट एरो दिया जाए काल्पनिक वक्र एक दूसरे को काटते नहीं। नेक्स्ट एरो में लिखेंगे काल्पनिक वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं तथा न ही किसी चुंबक के बाहर न ही किसी चुंबक के बाहर इनकी दिशा इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक के भीतर इनकी दिशा चुंबक के भीतर इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है नेक्स्ट एरो दिया जाए लिखेंगे क्षेत्र के लंबवत रखे गए क्षेत्र के लंबवत रखे गए तल के प्रति
तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितनी अधिक क्षेत्र रेखाएं गुजरती है कॉमा उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण उतना ही अधिक होता है चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में। जितनी भी पॉइंट्स हम लोग लिखे हैं सभी पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक चुंबक लिया गया है, यहाँ पे एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, यानी बोल सकते हैं कि ये हो गया किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव और ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, तो किसी भी चुंबक का ये हुआ दक्षिणी ध्रुव और ये हुआ उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब कोई भी चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, तो इसमें बोला गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसी संतत, संतत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, संतत का मतलब लगातार, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसी संतत रेखाएं होती है, वैसी लगातार रेखाएं होती है जो काल्पनिक एक बंद वक्र होती है। बंद का मतलब एक क्लोज लूप, इस तरीके से एक बंद वक्र जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। आपको पता होना चाहिए यहाँ से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव तक वापस आती है, यानी कि यहाँ उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। जैसे मान लिया ऐसे, यहाँ से उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। सेम थिंग्स, यहाँ पे एक चुंबक लिया गया है, इस चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है नॉर्थ पोल से यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। एक और बना देते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, यहाँ पे से उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और दक्षिणी ध्रुव पे जा रही है। आपको पता होना चाहिए ऐसे ही बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारा निकलती है जो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और कहीं ना कहीं दक्षिणी ध्रुव पे जाके मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि किसी भी चुंबक का दो ध्रुव होते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, और उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पे आकर मिलती है। ये तो रहा बाहर का, चुंबक के बाहर का ये रास्ता हुआ। लेकिन अगर अंदर का बात करें तो चुंबक के भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ऐसे ऐसे देख पा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे होती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अंदर में अगर बात किया जाए तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा इन चीज़ों को कि किसी भी चुंबक का चुंबक के बाहर का जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है, लेकिन चुंबक के भीतर जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए हम लोग क्या लिखें, एक बंद वक्र बनाती है, ऐसे ही देख जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये वाला एक वक्र बना रही है, वो एक वक्र यानी कि एक बंद रास्ता बना रही है, वैसे ही सभी चुंबकीय क्षेत्र एक बंद वक्र बनाएंगी। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे ये सीखें कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसी संतत, संतत का मतलब लगातार, कहीं बीच में कट नहीं होता है, संतत काल्पनिक बंद वक्र रेखाएं होती है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पे आकर मिलती है। ये तो बाहर की ओर रहा, लेकिन अगर चुंबक के अंदर का बात किया जाए तो अंदर में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की गति होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का चुंबकीय
क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो देख पा रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये भी लिखे हैं यहाँ पे कि दक्षिणी ध्रुव से जब चुंबक के भीतर का बात किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव जाते हैं, लेकिन चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। फिर लिखें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी आपस में किसी को कट नहीं करती है, यानी कि आपस में कभी टकराती नहीं है। यहाँ पे भले हम लोग यहाँ पे देख लिए कि यहाँ पे टकराया हुआ एक साथ मिल गया, हम लोग ड्राइंग करने में टकरा देते हैं, लेकिन कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती है। जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़े विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, वैसे ही आपको पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे को कभी नहीं काटते। इसके वजह है कि अगर एक दूसरे को काट लेंगे तो उनकी दो दो दिशाएं हो जाएंगी। जैसे मान लिया एक दूसरे को कट कर देंगे तो एक दिशा इधर से होगा और एक दिशा इधर से होगा, तो दो दिशाओं होने का पॉसिबल नहीं है, दो दिशा एक साथ नहीं हो सकते। यही कारण है कि आपको पता होना चाहिए जैसे कि विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, नहीं काटते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखें कि क्षेत्र के लंबवत रखे गए जिस क्षेत्रफल में जितना अधिक से अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होगा। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कल पढ़ रहे थे ना पिछले क्लास में कि चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित किया जाता है, इसका ऐसे मात्रक टेस्ला होता है, इसका फार्मूला होता है एफ बाई पी नोट, ये सब सारा तो सीख रहे थे। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये किस पर डिपेंड किया, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक तब होता है जब किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी, तब हम बोलेंगे कि उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे ये सीखे कि चुंबकीय किसी चुंबक के किसी क्षेत्रफल से या किसी क्षेत्र से या किसी भाग से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितना ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी, इसका मतलब ये हुआ कि उस स्थान पे उस क्षेत्रफल पे उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो इस फिगर को आपको उसके नीचे बना लेना है जो इन सारी बातों को हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। टॉपिक लिखा जाए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित, टॉपिक है ये, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक पर बल आघूर्ण या टॉर्क, बल आघूर्ण या टॉर्क, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये टॉपिक्स दिए हुए हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, उसमें किसी भी चुंबक को अगर लटकाया जाए स्वतंत्र रूप से तो उस पर लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, क्योंकि टॉर्क भी एक तरीके का क्या है, बल है। तो हम लोग वही देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को लटकाया जाए स्वतंत्र रूप से तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वो कितना होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले एरो देंगे, लिखेंगे माना कि एन एस एक चुंबक है, एन एस एक चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य पी है, जिसका ध्रुव प्राबल्य पी है और लंबाई ए है, और लंबाई
ए है तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्वतंत्र रूप से निलंबित है, स्वतंत्र रूप से निलंबित है। चलिए अब हम लोग इसका एक फिगर बनाएंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर हम लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कि ये है हम लोगों का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी चुंबकीय क्षेत्र है, ये हम लोग चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में हम लोगों का एक एनएस चुंबक, एक चुंबक है जिसका नाम है एनएस, यानी कि ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। एक एनएस चुंबक है जो इस चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से निलंबित है। ये हुआ चुंबक। अब आपको पता होना चाहिए कि इस पर लगने वाला जो बल होता है, दो तरह का बल होता है, जबकि इसका ध्रुव प्राबल्य P है और इसका जो लंबाई है वो टोटल लंबाई कितना है, टोटल लंबाई A माने हुए हैं कि यहाँ से लेकर इस चुंबक का जो लंबाई है वो A है। लेकिन इसके दो ध्रुव हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव पर जो लगने वाला ध्रुव प्राबल्य है वो ऊपर की ओर हम लोगों को पीबी बल लगाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर के लगने वाला पीबी, तो इसके अपोजिट नीचे की ओर लगने वाला जो बल है वो भी पीबी ही होगा, ठीक है। तो अब जब ऐसा कुछ होगा तो हम लोग जानते हैं कि ये कुछ ना कुछ एंगल पे हम लोगों को मूव करेगा, तो मान लिया जाए कि एंगल कितना है, थीटा। तो जब ये एंगल थीटा है और इसके सामने का अगर बात करें यहाँ, तो एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है रचना, एक ट्रायंगल जैसा रचना बन रहा है। तो ये हम लोगों का अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, टोटल थीटा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लिया कि ए और ये पैरेलल है और एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, जैसे एक समांतर रेखा है, अगर ये तिर्यक छेदी काट रही है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होता है। ये वाला को अगर थीटा माने तो ये भी मेरा थीटा होगा, देख पा रहे होंगे ये भी मेरा थीटा होगा, क्योंकि ये एक तिर्यक छेदी रेखा का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों को एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है, और ट्रायंगल में हम लोगों को अगर टॉर्क का बात करें, जिसको बल आघूर्ण बोलते हैं, बल आघूर्ण जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं, टॉर्क को हम लोग टाउ से सूचित करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको टाउ पढ़ते हैं, हालांकि इसको टॉर्क भी बोला जाता है। तो टाउ इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, बल, बल गुना दोनों के बीच, दोनों के बीच दूरी। और बल का फार्मूला कितना होता है, बल का फार्मूला होता है कि दोनों के बीच में दूरी कितना है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे एक पॉइंट, मान लिया जाए एक पी है, ठीक है, तो बल का फार्मूला क्या होता है, बल का फार्मूला होता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे तो एक बल लग रहा है ऊपर की ओर पी बी, और इस पी बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, तो दोनों के बीच डिस्टेंस, यानी कि एस पी, यानी कि एक बल है, एक बल, तो एक बल यहाँ पे क्या लग रहा है, पी बी, तो यहाँ बल के जगह पे पी बी कर दिया, इंटू दोनों के बीच दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो इसके और इसके बीच, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की दूरी क्या है, एस पी, एस पी को हम लोग P
पीएस भी बोल सकते हैं या एसपी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुने दोनों के बीच की दूरी। तो बल यहाँ कौन सा लग रहा है? यहाँ पे माना हुआ है कि बल जो लग रहा है वो पीबी लग रहा है, तो बल के जगह पे हम लोगों ने पीबी पुट किया है। और दोनों के बीच में दूरी, तो दोनों के बीच में दूरी कितना है? तो दोनों के बीच में दूरी एसपी है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की दूरी एसपी है। अच्छा, अब हम इसी को और क्या क्या लिख सकते हैं? तो पीबी को हम लोग पीबी लिख सकते हैं इनटू, अब इस एसपी को, इस एसपी को ऐसा लिख सकते हैं, एसपी को एनएस से मल्टीप्लाई कर देंगे और एनएस से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनएस से गुना कर दिया और एनएस से भाग कर दिया, फिर भी तो वही बचा ना, फिर भी तो वही बचा। तो हम टोटल मिलाकर क्या बोल सकते हैं दोस्त? तो टोटल ऐसे लिख सकते हैं पीबी इनटू एनएस इनटू एसपी बाय एनएस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका लिखने का फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ देखिए, पीबी का तो मेरा पीबी ही है, पीबी का तो पीबी ही है, ठीक है। और एनएस, तो एनएस का मतलब एन और एस के बीच की दूरी क्या है? एन और एस के बीच की दूरी छोटा ए है, यानी कि चुंबक की लंबाई को हम क्या माने हैं? ए। तो यहाँ हो गया ए इंटू एस पी, देख पा रहे होंगे ये एस पी है और ये एन एस है, तो एस पी का मतलब ये एस पी, ठीक है, और एन एस का मतलब ये। तो एन एस का मतलब क्या? एन एस का मतलब हुआ कर्ण, और एस पी का मतलब हुआ, देखिए अगर आप ये ट्रायंगल देख पा रहे होंगे तो इस ट्रायंगल में थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाला होता है लंब और इसका हो गया कर्ण ये। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, तो इसमें एसपी क्या है? तो एसपी एक लंब है, क्या एसपी एक क्या है? लंब है। तो एसपी के जगह पे हम लंब लिख सकते हैं। और एनएस, एनएस क्या है? तो इस त्रिभुज का एन एस जो है एक कर्ण जैसा काम कर रहा है, यहाँ पे हम लोग कर्ण लिख सकते हैं। यहाँ पे हो गया पी बी, सॉरी पी बी इंटू ए इंटू लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण आप टेंथ क्लास में पढ़े होंगे कि साइन थीटा होता है पी बाई एच, यानी कि लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा कर्ण के जगह पे हम लोग साइन थीटा भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या माने हुए हैं? थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पी ए, सॉरी पी बी इंटू ए इंटू, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो पी ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे पी ए, हम लोग आघूर्ण के बारे में सीखे थे एम, ठीक है, वहाँ पे हम लोग एम पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा, यहाँ पी ए के जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं? एम, ठीक है, पी ए के जगह पे हम लोग यहाँ पे एम पुट कर रहे हैं। तो एम पुट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, पी ए के जगह पे एम पुट कर दिया, फिर बी, फिर साइन थीटा। तो यहाँ से टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? एम बी साइन थीटा। टॉर्क कितना हो गया? एम बी साइन थीटा। तो अगर कोई पूछेगा आज के बाद कि अगर चुंबकीय क्षेत्र हमें में अगर किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो टॉर्क कितना होगा, तो एम बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये टॉर्क का फार्मूला आ चुका है, हम लोग को कैसे आता है, तो इन सारी चीज़ों का प्रूफ उसके नीचे बना लीजिएगा, ये फिगर और फिर उसके नीचे का ये सब फार्मूला। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अब यहाँ पे एम क्या है? तो एम के बारे में हम लोग यहाँ पे आघूर्ण जानते हैं, चुंबक का आघूर्ण, जिसका फार्मूला होता है पी ए, पी मतलब ध्रुव, ठीक है, पोल, और ए मतलब उसके चुंबक का लंबाई ए, को मल्टीप्लाई करते हैं तो आघूर्ण मिलता है, जिसको एम से सूचित करते हैं। तो यहाँ एम हो गया आघूर्ण, बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और साइन थीटा हो गया एंगल कोण, ठीक है,
और ये हो गया टोटल बल आघूर्ण, या फिर इसी को टॉर्क बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर चुंबक ns को लटकाया जाए स्वतंत्र रूप से, तो हम लोगों को बल आघूर्ण या टॉर्क कितना लगता है, mb साइन थीटा। अब यहाँ पे एक और नोट में करके चीज लिखेंगे कि नोट में टॉर्क को महत्तम होने के लिए, टॉर्क यानी कि टाउ को महत्तम होने के लिए थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि टॉर्क को अगर महत्तम होना चाहिए, यानी कि टॉर्क का वैल्यू सबसे ज़्यादा कब आता है, जब थीटा जो है 90 डिग्री होता है। जब थीटा कितना होता है, 90 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री होता है, तब हमें समझना चाहिए कि टॉर्क क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है, टॉर्क का वैल्यू सबसे हाई होता है, कब, जब थीटा 90 डिग्री होता है तब। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि टॉर्क का वैल्यू महत्तम कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद चूंकि आप लिखिएगा, चूंकि टॉर्क बराबर, अभी हम लोग क्या पढ़ा फार्मूला, mb साइन थीटा। ठीक है, तो हम या करके एक और चीज लिख सकते हैं टॉर्क वेक्टर के रूप में, कि टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, तो m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। दोस्तों ए वी ए वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये हम लोगों का सदिश फॉर्म में हो गया। आप चूंकि जानते हैं, यहाँ से समझिए कि a क्रॉस b का वैल्यू कितना होता है, तो ab साइन थीटा। ठीक है, होता है ना, जब भी क्रॉस रहता है तो साइन थीटा में लिखा जाता है, लेकिन a डॉट b रहता है तो ab साइन थीटा होता है। ठीक है, ab साइन थीटा होता है। तो a क्रॉस b का वैल्यू ab साइन थीटा, ए डॉट बी का वैल्यू कॉस थीटा होता है, ab कॉस थीटा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ए क्रॉस बी का वैल्यू ab साइन थीटा होता है, तो ए डॉट बी का वैल्यू ab कॉस थीटा भी होता है। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पे देखें तो ए क्रॉस बी और ए डॉट बी का वैल्यू अलग अलग होता है, क्रॉस में साइन थीटा और डॉट में कॉस थीटा। तो इसका उल्टा भी सही है दोस्तों, अगर कभी मान लिया ab साइन थीटा मिलेगा तो हम साइन थीटा को निगलेक्ट करके ए क्रॉस बी क्रॉस लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे mb साइन थीटा आया था हुआ था हम लोगों का टॉर्क का वैल्यू, तो हम लोग इसको चेंज करके m क्रॉस b क्रॉस लिख सकते हैं टॉर्क का वैल्यू। ठीक है, तो ध्यान रहे m है हम लोगों का आघूर्ण। ठीक है, हम लोगों को आघूर्ण है, जिसका आघूर्ण का पता है ना, एम का मतलब आघूर्ण, या फिर चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं इसको, चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण का ऐसे मात्र क्या होता है, याद होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, इसका वैल्यू टेस्ला होता है। साइन थीटा तो एंगल है, यानी कि हम बोल रहे हैं, अगर आपको याद नहीं होगा तो यहाँ जहाँ एम के बारे में लिख लीजिएगा, पी के बारे में लिख दीजिएगा, थीटा के बारे में लिख दीजिएगा, टाउ के बारे में लिख दीजिएगा। टाउ है हम लोगों का बल आघूर्ण, ठीक है, थीटा का मतलब कोण, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और एम का मतलब चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, एम का मतलब चुंबकीय आघूर्ण, जिसका ऐसे मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रहे चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू होता है टेस्ला, और कोण तो कोण ही होता है, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण जो भी होगा तो हम लोगों का न्यूटन में आएगा, क्योंकि बल है ना, तो बल का ऐसा मात्रक टोटल न्यूटन होगा। तो कुल कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फार्मूला के तौर पे। तो लिखा जाए एक क्वेश्चंस लिखेंगे, लिखा जाए 2.5 मीटर लंबे 2.5 मीटर लंबे
किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 10.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, 10.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। यदि इस चुंबक को 2×10 के पावर 4 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में 2×10 के पावर 4 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में इसे स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो 30 डिग्री के कोण पर बल आघूर्ण का मान ज्ञात करें। 30 डिग्री के कोण पर बल आघूर्ण का मान ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले लिखिएगा दिया है। क्या क्या दिया है भाई? तो दिया है क्या, तो चुंबक का लंबाई यानी कि ए का वैल्यू कितना 2.5 मीटर, और उसका चुंबकीय आघूर्ण दिया है यानी कि एम का वैल्यू 10.5 ही बोले ना एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू दिया हुआ है 2×10⁴ टेस्ला। थीटा दिया है हमें 30 डिग्री, तब टॉर्क निकालना है। तो दोस्त टॉर्क निकालते हुए हम लोगों का तो ए का फार्मूला यूज नहीं होता है, एम बी साइन थीटा यूज होता है। तो आप एम का वैल्यू रखिएगा, बी का वैल्यू रखिएगा साइन थीटा यानी कि साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे आप 30 इस्तेमाल कीजिएगा साइन के साथ, तो जो हमें टॉर्क मिलेगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप इसका सॉल्यूशन राइट आंसर क्या होगा आप ज़रूर इसको बनाकर सेंड कीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।